दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने नए टॉपिक के साथ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से लाभ उठा सकें। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडक्शन ट्रेनिंग। एज ए वर्कर एज ए एम्प्लॉय या एज ए विजिटर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का। तो आज हम बात करेंगे कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? अगर हम कहीं जाते हैं तो इंडक्शन का मीनिंग होता है परिचय, फैमिलियर, मतलब एक दूसरे को जानना। उसी तरह हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। हमें कंपनी के बारे में बताया जाता है और कंपनी के क्या नॉर्म्स हैं उसके बारे में बताए जाते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमें क्या बताना है और क्या क्या चीजें उसमें बतानी है, ठीक है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में सबसे पहला अगर पार्ट होता है, चाहे कोई भी हो, एज ए विजिटर भी आता है, तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, इमरजेंसी के बारे में, जो भी प्रोसीजर है कि इनकेस इमरजेंसी क्या हमारा सायरन होगा, कैसे इंडिकेशन होता है इमरजेंसी का, क्या एस्केप रूट है उसका, ठीक है, कहाँ हमें असेंबल होता है, कैसे उसको हम सिर्फ एक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बताना होता है, चाहे कोई भी आए, क्लास स्टार्ट होता है या ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उसी समय हमें इमरजेंसी के बारे में सबसे पहले बताना है, ठीक है। उसके बाद हमें अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं उसकी HSC पॉलिसी के बारे में बात करनी है, जो भी पॉलिसीज है उसके बारे में हमें बात करनी है। HSC पॉलिसी, ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी, ड्राइविंग पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है हमें पॉलिसी के बारे में बात करनी है कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, हम वहां पे बात करते हैं। अगर प्रोजेक्ट है तो कंपनी, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट, कंपनी है तो कंपनी, प्लांट है तो प्लांट, उसके बारे में हम वहां पे डिस्कशन करते हैं कि ये हमारा काम है, ये हमारा इतना स्कोप है, इतना हमारा टेन्योर है या इतने हमारे प्रोजेक्ट का बजट है, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करने के बाद हम कुछ कॉमन सी प्रैक्टिसेस हैं वो हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में या कंपनी में एक्टिविटी क्या चलती है, क्या क्या एक्टिविटी हमारे कंपनी में या प्रोजेक्ट में जो हम करने जा रहे हैं या जहां वो आदमी जा रहे हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटी चलती हैं, ठीक है। उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें हैजार्ड के बारे में बताना होता है कि हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हैजार्ड एंड रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटी हम वहां पे कर रहे हैं या जिसके थ्रू हमको जाना है उसमें क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, उस वो डिस्कस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो हम डिस्कस करते हैं कि भाई हम ये प्रोसेस कर, जैसे वेल्डिंग ही कर रहे हैं तो वेल्डिंग में हमारे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन खतरों को हमें कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन सा ट्रेनिंग होता है, जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, एक होता है
फायर फाइटिंग विथ एक्सटिंग्विशर, वो हम थोड़ा सा कॉमन प्रैक्टिस बताते हैं कि कौन किस टाइप का फायर होगा, तो कैसे हम एक्सटिंग्विश करेंगे, कैसे कैसे, ये सारी चीजें उसमें थोड़ा सा हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद होता है हमारा फर्स्ट एड के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड के बारे में कैसे कैसे क्या, कैसे कैसे कुछ चोट लगता है या कुछ होता है तो हमें कैसे कैसे फर्स्ट एड करना है या कैसे हम उसे बचना है या किसी को सपोर्ट करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम की एक कुछ भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो हमें या कुछ अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो हमें रिपोर्टिंग कैसे करना है, वो रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। इमरजेंसी कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं कि इमरजेंसी जो नंबर है क्या है, किस टाइप के इमरजेंसी में किसे फ़ोन करना है, किसको रीच करना है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करते हैं अलग अलग, जैसे एक जस्ट एग्जांपल है PTW है, टूल बॉक्स टॉक है, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्पेक्शन है, क्या क्या हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं अपने कंपनी में, वो सारी चीज़ें हम उनमें डिस्कस करते हैं कि ये हमारी कंपनी या हमारे प्रोजेक्ट का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसे आपको फॉलो करना होगा। ये सारी इंडक्शन ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है, क्यों बताया जाता है, ताकि हम इजिली किसी भी अनहोनी या किसी भी घटना से अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसी दुर्घटना को बड़ा होने से हम बचा सकते हैं, इसके लिए इंडक्शन ये जरूरी है। हो सकता है कि कोई एक आदमी एक प्रोजेक्ट से आया हो, ठीक है, वहां पे वो नॉलेज तो लिया है लेकिन वहां का कंडीशन है वो डिफरेंट था और यहां का कंडीशन डिफरेंट है, तो यहां का कंडीशन जब डिफरेंट होगा तो यहां के हजार्ड भी डिफरेंट होंगे, यहाँ के वर्क प्रोसीजर भी डिफरेंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनको बताना होता है ताकि ये हमारा हजार डिफरेंट है, हमारा प्रोसीजर डिफरेंट है, इसको हमें इस तरह से फॉलो करना है। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जितना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।